हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो आज की वीडियो में हम जो है एसएलओ वाले बच्चों का जो असाइनमेंट है, एजुकेशन का असाइनमेंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं एक तरीके से कोरोना वायरस के चलते। कोरोना वायरस की वजह से आप लोग के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से आपको जो पास किया जाएगा वो असाइनमेंट के बेसिस पर पास किया जाएगा। तो आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं असाइनमेंट में, जिनमें से आपको टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और सबमिट कराना है। तो आपको 4 में से 2 क्वेश्चंस है उनका सोल्व असाइनमेंट मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट के हमारे 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। पहला तो आपसे कुछ नोट कहा गया है जो आपको ध्यान रखना है कि भी प्रश्न पत्र पर अंकित पूर्णांक विद्यार्थियों के लिए अनुप्रोज्य है, तथापि ये अंक रेगुलर कॉलेज के विद्यार्थियों के संबंध में उनके परिणाम के संकलन के लिए नियुक्त अधिनिर्णय के समय पर उनके अनुपातिक रूप में कम होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पियाजे और वाइगोत्सकी के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत को अपने आसपास के परिवेश के बच्चों के अवलोकन के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। दूसरा है कि भाई आपको क्या करना है, पियाजे और वाइगोत्सकी के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में आपको क्या अंतर, आप क्या अंतर पाते हो उसके बारे में आपको बताना है, और ये भेद आपके परिवेश में किस प्रकार परिलक्षित होता है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 में से आपको किसी एक का आंसर लिखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की प्रत्येक द्विंद स्थिति को दैनिक जीवन में उपलब्ध उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। आप अपने आप को किस स्टेज में रखते हैं और क्यों। और जी तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के मॉडल को अपने दैनिक जीवन में बिखरे विविध तरह के अनुभव के आधार पर विश्लेषण करना है। और चौथा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विकास से आप क्या समझते हैं, कार्ल रोजर के द्वारा प्रतिपादित स्वयं की अवधारणा को अपने जीवन के अनुभव के आधार पर स्पष्ट करें। बताएं कि एक बच्चे के स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 50-50 नंबर के आपके दोनों क्वेश्चन हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स के बेसिस पर आपको जो है प्रमोट किया जाएगा या पास किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ लेते हैं इनके आंसर्स की तरफ। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, पहले आप आंसर देख लीजिए उसके बाद डिसाइड करिए। देखिए, आपका जो पहला मैं क्वेश्चन सोल्व करके यहाँ दिखा रही हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 को मैंने चूज़ किया है, तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि भाई संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत के मॉडल को अपने दैनिक जीवन में बिखरे विविध तरह के अनुभवों के आधार पर आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर आप देख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं हैंड टू हैंड, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा पोज करके चलूँगी वीडियो को जगह जगह पर। आगे हमारा कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ पर आपका पहला जो पेज है वो फिनिश होता है, तो आप ये हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, वो नेक्स्ट पेज जो है हमारा थोड़ा सा ये धुंधला सा हो गया है, बट आई थिंक वर्ड्स आप समझ सकते हैं थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो। और आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नेक्स्ट है यहाँ तक आपका, जहाँ तक आपका अगला पॉइंट स्टार्ट नहीं होता। अगली अगर हम हेडिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है कि भाई सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत, सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत इसमें आपको बताने हैं। हम पेंसिल से मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि भाई नए अनुभव ग्रहण करने, समस्याओं का हल ढूंढने और अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने हैं। तो व्यक्ति विशेष प्राप्त सूचनाओं का जिस ढंग से प्रक्रियाकरण करते हैं उसी अधिगम के जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का नाम दिया गया है, कुछ इस तरीके से करके आपको ये लिखना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज यहाँ से लेकर आपका शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपका जो है ये यहाँ तक आई थिंक फिनिश हो रहा है। तो इनपुट प्रोसेसिंग ये सब इसमें आपको बताने हैं, आउटपुट बताने हैं, इन सबका प्रयोग है। अगर मैं पढ़ने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मेन मोटिव ये है कि आप देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट मिल सकता है, इतना टाइम मैं आपको दे रही हूँ। आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप जो है अगेन इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और स्किप हो गई वीडियो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें रिकॉल वगैरह बता रखा है, ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी, ये वर्ड सारे इसमें यूज़ हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि आपके देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 50 नंबर मायने रखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है 2-4 लाइन लिख कर ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। काफ़ी आपको अच्छा खासा लंबा चौड़ा आंसर इसका लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो ऑटकिंसन तथा शिकारिन इस तरीके से करके हैं। आगे आप देख लीजिए पॉइंट भी दे रखे हैं यहाँ पे, 1-2-3 करके, इंद्रिया मूर्ति पंजीकरण, अल्पकालीन स्मृति स्तरण, दीर्घकालीन स्मृति स्तरण, फिर सूचना प्रक्रियाकरण मॉडल इसमें बता रखा है आपको, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे की ओर हम जाते हैं,
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पेज हमारा यहाँ तक फिनिश होता है। अभी हमारा एक क्वेश्चन कंटिन्यू है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमें वो लिखना पड़ेगा अभी इसके बारे में। अब फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट है, ये पेज स्टार्ट हो रहा है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। हम लोग आगे है कि भी यह संज्ञानात्मक दृष्टिकोण इस केंद्रीय विचार पर आधारित है। इस तरीके से यहाँ से आपका पेज स्टार्ट हो गया, यहाँ पर हो रहा है फिनिश, ठीक है। और आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका वहीं तक था, थर्ड क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है। आई होप आपको अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट का टाइम मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, ओके भाई, व्यक्तित्व के विकास से आप क्या समझते हैं। कॉल रोजर के द्वारा प्रतिपादित स्वयं की अवधारणा को अपने जीवन के अनुभव के आधार पर स्पष्ट करें और बताएं कि एक बच्चे के स्वरूप स्वस्थ व्यक्तित्व विकास के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। आंसर कुछ इस तरीके से है भाई, इसमें क्या बताना है आपको, यही व्यक्तित्व के विकास के लिए बताना है। किसका सिद्धांत आपको बताना है, कॉल रोजर के बारे में बताना है। आंसर देख सकते हैं आप लोग, आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये भी आपका अच्छा खासा आंसर जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि 50 मार्क्स का है। और थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, ये पेज आपका यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है, यहाँ आपका ये वाला पेज फिनिश होता है। और थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज आपका यहाँ से कुछ स्टार्ट है कि भाई इस तरीके के स्वस्थ व्यक्तित्व को रोजर्स ने एक पूर्ण रूपेण सफल व्यक्ति, फुल फंक्शनिंग पर्सन कहा है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और SOLDU से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, सॉल्व असाइनमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ा सा और हम अभी हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे यहाँ तक आपका ये पेज अगेन आई थिंक फिर से फिनिश हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक क्षण उनके लिए नया होता है, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे। और ये पेज भी धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके हम नीचे ले करके जाएंगे। इसको भी सोशल कोर्स द्वारा कम निर्देशित होते हैं, ऐसे ऐसे करके आप इस सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। और रोजर्स के अनुसार भाई एक पूर्ण रूपेण सफल व्यक्ति की चौथी विशेषता क्या होती है कि अनुभाविक स्वतंत्रता एक्सपीरियंशियल फ्रीडम होता है, उसके पास एक्सपीरियंस करने का फ्रीडम। आगे और देख लेते हैं, ये पेज आपका हो रहा है यहाँ पर फिनिश, थोड़ा सा और आगे हम इसको लेकर जाते हैं। आत्मन इसके बारे में रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत का यह सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, इसको भी थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे। निम्न प्रकार परिभाषित कैसे किया है उन्होंने, तो यहाँ से मैं और मुझे की विशेषताओं एवं मैं और मुझे ये सब करके जो है यहाँ तक दे रखा है। और आगे बढ़ लेते हैं, और आगे भी मैं कैसा हूँ, मेरी क्या विशेषताएं, ये सब कॉल रोजर की सारी टिप्पणियाँ हैं जो उन्होंने की हैं। आगे और थोड़ा सा देखते हैं इसको भाई। गैस्टॉल्ट की इस तरह की स्वयं की भी ये विशेषता है कि संगठित इकाई होते हुए भी प्रक्रिया का घातक है। यहाँ से आपका पेज स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा और नीचे जाएगा ये आपका। रोजर्स के अनुसार स्वयं आत्मन के दो उपतंत्र हैं, उपतंत्र कौन कौन से हैं, आत्मसंकलना और आदर्श आत्मन, इन दोनों का वर्गीकरण फिर कर रखा है। तो दोनों को खोल खोल करके लिख रखा है। आत्मसंकल्पना को अगर देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है, यहाँ पेज आपका फिनिश है। अगला पॉइंट है कि आदर्श आत्मन, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर हो रहा है फिनिश। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है व्यक्ति की गति की। आप सेम एज इट इज उतार लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, आराम से आप इसको बेफिक्र होकर नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस को काफ़ी स्टडी करके इनके आंसर जो हमने प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। आगे और थोड़ा सा इसको नीचे लेकर के जाते हैं, और यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर भी फिनिश होता है। टोटल टू क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं। आई होप आपके जो है लास्ट डेट से पहले आप इनको अच्छे से बना लोगे और इनको सबमिट करा दोगे, एंड आई विश के आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जो है जिस असाइनमेंट के इनके बेसिस पर आप पास हो रहे हो, तो अच्छे से आप जो है इनको प्रिपेयर करिए और अच्छे से नंबर लाइए। इससे पहले जो है मैंने पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो प्रोवाइड की है, उसका भी सॉल्व असाइनमेंट आपके साथ शेयर किया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप हमने वो भी वीडियो नहीं देखी है, तो आप अपना पॉलिटिकल का जो असाइनमेंट है वो भी डिस्क्रिप्शन के थ्रू वीडियो पर जाकर तैयार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ी सी भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको एक लाइक कर देना, लाइक करने से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और काम करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आप तो जस्ट एक क्लिक ही करोगे भाई लाइक पे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप जो है चैनल पर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी प्रोवाइड करते रहते हैं सोल और डी से लेकर रिलेटेड। तो
आपको उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको इसके अलावा किस तरीके की वीडियोस चाहिए, आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी है, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और TMA असाइनमेंट्स वगैरह जो है सोल्व करके लेकर के आऊँगी आपके लिए मैं। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी। थैंक यू सो मच।